उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव के अंतिम चरण का मतदान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे शुरू हुआ। यूपी नगर निगम चुनावों के दूसरे चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 38 जनपदों के 760 स्थानीय निकायों के पदों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यूपी नगरीय निकाय चुनाव में 2,40,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जनपदों के जिलाधिकारी मतदान केंद्र का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं जनता भी इस बार मतदान के लिए भारी संख्या में घरों से निकल रही है। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी से लेकर अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर में मतदाताओं की मतदान केंद्रों के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। लोग खुश हैं और बदलाव की बात कहते नजर आ रहे हैं। सभी को अपना वोट डालना चाहिए और ये अधिकार है हर किसी का। आज आपने अपना वोट डाला है? हाँ, मैंने अपना वोट डाला है। बदलाव अच्छा चाहते हैं, उन्नति को बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो यही है, विकास होना चाहिए। भाई गली मोहल्लों में जो होता है, नाली की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, यही ज्यादा दिक्कतें हैं गली महलों में। तो लोगों क्या बोलेंगे कि भारी मत में आए, वोट डाले अपना? आ रहे हैं लोग, अभी शुरुआत है, अभी जरा हल्का है मामला, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ जाएगा शाम तक, काफ़ी शाम तक क्या, अभी बढ़ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। अभी आने शुरू हुए हैं लोग, अभी दरअसल क्या है कि अभी नाश्ते पानी में लग रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, उसके बाद से जो है मामला बढ़ जाएगा। अयोध्या में मतदान में भाग लेने के लिए आम जन से लेकर साधु और संतों में भी इस दौरान काफी उत्साह नजर आया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कारण उत्सव का माहौल है, ऐसे में रामनगरी का निकाय चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। हम लोग विकास के लिए वोट डाले हैं। आज इस पर्व पे हम लोग घर और आदमी के कहते घर से निकल के और आके बूथ पे आके वोट गिराएं और हमारे नगर निगम क्षेत्र को विकास की ओर ले जाएं। वही बात अगर अलीगढ़ की करें तो इस दौरान वहां भी लोग मतदान के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आए। मीडिया से बात करते हुए अलीगढ़ के DIG आनंद कुलकर्णी ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। अलीगढ़ में अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है और सारा फोर्स भ्रमणशील है, सभी बूथों पे पर्याप्त फोर्स लगाया गया है और काफी QRTs जो है बनाई गई है, जो कि सभी लोग मोबाइल हैं और रेंज के अन्य जनपदों में भी अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव की सूचना है और जो भी सूचना आ रही है उनको प्रॉपरली अटेंड किया जाएगा और जो हमारे पास एडिक्वेट प्रिपरेशन है और चुनाव शांतिपूर्ण होगा। संवेदनशील और प्रधानशील या फर्जी मतदान को रोकने के लिए क्या व्यवस्था? सभी ऐसे बूथों पे अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मी और पोलिंग स्टाफ भी जो है महिलाओं को तैनात किया गया है और उसके आधार पे प्रॉपर वेरिफिकेशन करके कार्रवाई की। बता दें कि यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में राज्य में 760 स्थानीय निकायों के पदों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए यूपी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव के पहले चरणों के चुनाव 4 मई को संपन्न हो चुके हैं। दोनों चरणों के मतदान की मतगणना 13 मई को होगी। बहरहाल पिछली बार के निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी ने प्रचंड सीटें हासिल कर जीत का परचम लहराया था, लेकिन इस बार भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बंपर चुनाव प्रचार कर जनता से जुड़े कई मुद्दे जनता के बीच उठाए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव में किस पार्टी का परचम लहराता है। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।